कुएं के अंदर जादुई अंगूठी। हेलो दोस्तों, आज जो कहानी सुनने वाले हैं वो कहानी है कुएं के अंदर जादुई अंगूठी। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। नैना सिर्फ 5 साल की थी जब उसकी पिता की मृत्यु हो जाती है। अब नैना को उसकी माँ ही देखभाल करके बड़ी कर रही थी। नैना की माँ लोगों के घरों में काम करती थी, उनसे ही उन दोनों का गुजारा चलता था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं, नैना थोड़ी सी बड़ी हो गई है। आज नैना का स्कूल में पहले दिन होता है। नैना की माँ उसे अच्छे से तैयार करती है और बोलती है, सुनो नैना, आज तुम्हारा स्कूल में पहला दिन है। मैं चाहती हूँ तुम स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करो और पढ़ाई खत्म करके कुछ अच्छा करो, जिससे कि मेरा नाम रोशन हो जाए और तुम अच्छे से एक जिंदगी बिता पाए। हाँ माँ, मुझे पता है, मैं आज से मन लगाकर पढ़ाई करूँगी और पढ़ाई खत्म करके कुछ बड़ा बन जाऊंगी, जिससे आपको लोगों के घर में काम करने की जरूरत नहीं पड़े और हम दोनों आराम से एक जिंदगी बिताएंगे। ऐसा कहकर नैना स्कूल चली जाती है। नैना आराम से स्कूल खत्म करती है। पहले दिन ही वो इशिता नाम की एक लड़की से दोस्ती कर लेती है। इशिता बहुत ही अमीर घर की लड़की होती है। जब स्कूल खत्म होती है, सभी लड़की को लेने के लिए उनके पिता आते हैं, लेकिन नैना को लेने के लिए कोई नहीं आता है क्योंकि उसका पिता इस दुनिया में नहीं है। ये देखकर इशिता पूछती है, अरे नैना, तुम अकेले घर जाओगे? तुम्हारे पिताजी कहाँ है? हम सबको लेने के लिए तो हमारे पिताजी आए हैं। ये सुन के नैना को बहुत बुरा लगता है। वो उदास होकर बोलती है, अब इस दुनिया में मेरे पिताजी नहीं है। वो बहुत पहले हमें छोड़ के जा चुके हैं। सिर्फ मेरे माँ ही है और वो भी लोगों के घर में काम करती है, तो वो व्यस्त है। मुझे अकेले ही घर जाना पड़ेगा। उसके बाद नैना अकेले ही उदास मन से घर चली आती है। घर आने के बाद वो अपनी माँ से पूछती है, माँ ऐसा क्यों होता है? मुझे लेने कोई स्कूल क्यों नहीं आता है? मेरे पिताजी क्यों इस दुनिया से चले गए हैं? सभी बच्चों के पिताजी उन्हें लेने स्कूल आते हैं, सिर्फ मैं ही हूँ जो अकेले स्कूल से आती हूँ। मेरे पिताजी को इतनी जल्दी इस दुनिया से जाने की क्या जरूरत थी? वो हमें छोड़ के क्यों गए हैं? ऐसा नहीं बोलते बेटा, ऊपर वाले जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तुम उदास मत हो, कल से मैं जल्दी काम खत्म करके तुम्हें स्कूल से लाने के लिए चली आऊंगी। आप ऐसे उदास मत हो। उसके बाद दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चले जाते हैं। एक दिन नैना स्कूल से वापस आती है तो देखती है उसकी माँ बहुत ही ज्यादा उदास थी। उसकी माँ को उदास देख के नैना उनसे पूछती है, आप इतना उदास क्यों हो माँ, और ऐसे जल्दी काम से वापस भी आ गए? नहीं बेटी, वैसा कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा उदास हूँ क्योंकि मेरे पास जो काम था वो काम चला गया है। अब मुझे कल से नया काम ढूंढना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ी परेशान हूँ। आजकल काम मिलना बहुत मुश्किल है। माँ, अगर मेरे पास कुछ जादुई होता तो मैं आपकी सारी मुश्किल काम कर देती और हम दोनों आराम से रह पाते। नैना की माँ उसकी ऐसी भोली भाली बातें सुनकर हंस देती है और बोलती है, बेटी ऐसा कुछ नहीं होता है, जादुई कोई चीज नहीं होती है। हमें अपनी किस्मत खुद ही बनानी पड़ती है, हमें खुद मेहनत करना पड़ता है। चलो अब ये सारी बातें छोड़ो, हम जल्दी से खाना खाकर सो जाते हैं और फिर तो तुम्हें पढ़ाई भी करना है। नैना सिर्फ वही जादुई चीज के बारे में सोचती है। उसे लगता है कि सच में जादुई कुछ उससे मिल सकता है। वो सोचती है, अगर सच में जादुई कुछ होता है तो मेरी माँ को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक दिन नैना जंगल के अंदर चलती जाती है और वो सोचती है, मैं आज इस जंगल के अंदर कुछ न कुछ जादुई ढूंढ कर ही रहूंगी, जिसकी मदद से मेरी माँ को और मेहनत करके कमाना न पड़े, लोगों को डांट न सुननी पड़े और हमारी जिंदगी में कोई दुख न हो। ऐसे ही सोच के वो जा रही थी तभी उसे एक कुएं दिखाई देती
जाती है। वो उस कुएं में से थोड़ी सी पानी निकल के खाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो कुएं में बाल्टी फेंकती है और फिर उस बाल्टी को उठाती है तो देखती है उस बाल्टी के पानी के अंदर एक छोटी सी अंगूठी है। ये देखकर नैना सोचती है, अरे ये अंगूठी वाला किसकी है और यहाँ पर क्या कर रही है। जब वो उस अंगूठी अपने हाथ में लेती है तभी वो अंगूठी एक जादुई परी में बदल जाती है। उस अंगूठी को जादुई परी में बदलते देख के नैना चौंक जाती है, अरे ये तो एक छोटी सी अंगूठी थी, ये अब परी में कैसे बदल गई? आप कौन हो और आप इतनी छोटी सी अंगूठी बन के इस कुएं में क्या कर रही थी? सुनो, मैं एक जादुई अंगूठी हूँ और मैं उस कुएं में गिर गई थी, लेकिन तुमने मुझे कुएं से बाहर निकाला और इसीलिए आज मैं मुक्त हूँ। अब मैं अपनी परी लोग वापस जा सकती हूँ। वैसे तुम इतने उदास क्यों हो, मुझे बता सकती हो? तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है, अब मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। परी की ये बात सुनकर नैना अपनी और अपनी माँ की सारी परेशानी और दुख की बातें बता देती है। परी को नैना की सारी बातें सुनकर बुरा लगता है। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, मैं तुम्हें एक जादुई अंगूठी देती हूँ। इस अंगूठी को तुम जब भी हाथ में लेकर मदद मांगोगे तो मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन हाँ, ये जादुई अंगूठी सिर्फ तभी काम करेगी जब तुम्हें सच में किसी चीज की जरूरत होगी और जब तुम बड़ी हो जाओगे और अपने आप कुछ बन जाओगे तो ये जादुई अंगूठी तुमसे गायब हो जाएगी। और एक बार तुम इस अंगूठी का कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना। अगर तुम इस अंगूठी का गलत इस्तेमाल करोगे तो उसके साथ तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ऐसा बोल के परी नैना को एक अंगूठी दे के वहाँ से चली जाती है। नैना खुशी होके वो जादुई अंगूठी लेकर अपने घर चली जाती है। घर आकर देखती है नैना की माँ एक कमरे में बैठ के रो रही थी। नैना अपनी माँ से पूछती है, माँ अब क्यों रो रही है? तुझे क्या बताऊँ बेटी, मेरे पास जो आखिरी एक नौकरी थी उस नौकरी से भी मुझे बाहर कर दिया है। वैसे मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगी, लेकिन उन्होंने मुझे मेरी पूरे एक महीने की तनख्वाह भी नहीं दिया। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नैना को बहुत बुरा लगता है। नैना वो जादुई अंगूठी निकलती है और उस परी को बुलाती है। परी वहाँ पर आ जाती है। नैना अपनी माँ की नौकरी चले जाने की और पूरे एक महीने के गुजारा करने के लिए कुछ पैसे मांगती है। परी ये सब सुन के तुरंत नैना को कुछ पैसे दे देता है। उन पैसों से आराम से उनकी दो महीने चले जाते हैं। अब जब भी नैना और उसकी माँ को कोई परेशानी होती थी तो नैना उस जादुई अंगूठी से परी को बुलाती थी और परी उन दोनों की मदद करती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। कुछ साल बाद नैना पढ़ाई खत्म करके एक बहुत अच्छी नौकरी करने लगती है और फिर उस परी और जादुई अंगूठी की जरूरत नहीं होती है। तब वो जादुई अंगूठी गायब हो जाता है। अब ऐसे ही खुशी खुशी नैना अपने माँ के साथ रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताएं आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।